घर घर में करना प्रार्थना अपन अपन घर में करना यार। कौन मना कर यहाँ पूरा बस्ती पूरा मना है। नहीं बुला सबको बुला पहले पूरा सबको बुलाओ खड़ो यहीं पे। तो सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखा आप सब ने किस तरह से प्रार्थना करते हुए लोगों को रोक रहे। आप अपने दिल से पूछें मेरे भाई बहनों कि प्रार्थना करने का अधिकार क्या हमें नहीं है? क्या एकजुट होकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते? तो इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे भी बताएं कि हम इस भाई बहनों के लिए क्या कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी राय जरूर देना। लो प्रार्थना लो। मैं इतना बड़ा मंदिर में लोगों को घुसने नहीं दे रहा हूँ। मैं दो से तीन लोग सेफ्टी। और ये क्या समाज है यार? तुम चर्च से कोशिश किसने बोले तुमको यहाँ पे दो तीन सप्ताह चालू करने के लिए? गलत। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे मोहल्ले में। मैंने अपने दिन रात सींच के अपने बस्ती वाले लोग हम लोग सच सींच के सब काम किए। सबको बच्चों को निकालो निकालो तुरंत अभी। और अभी आप तमाशा बना रहे। आपको घर रहने के लिए खाने के रहने के लिए दिया गया कि यहाँ पे चर्च खोलने के लिए दिया गया? प्रार्थना करना बुरा नहीं। आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करो ना। लोगों को मजबा क्यों लगा के रख रहे हो आप? बुलाओ सबको बुलाओ। मैं ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा बता दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मैं करने वाला हूँ। मैं समझे ना गलत तो गलत चीज है। घर में करना प्रार्थना अपन अपन घर में करना यार। कौन मना कर यहाँ पूरा बस्ती पूरा मना है। नहीं बुला सबको बुला पहले पूरा सबको बुलाओ खड़ो यहीं पे। चला तुमको यहाँ रहने दिया गया कि यहाँ पे चर्चा खोल के यहाँ बैठ के तुम लोग को तमाशा खड़ा करने के लिए दिया गया? नहीं देता किसी को। अभी एहतियात के तौर पर बरत रहा हूँ। हम ऐसे सींच सींच के अपने बस्ती को ऐसे विकसित नहीं किए। बुलाओ सबको बुलाओ सबको बुलाओ तुरंत तुरंत सबको बुलाओ। क्या नहीं नहीं क्या सफाई पसंद नहीं बोलो कुछ मत। भीड़ तो मती करो। एक तो भीड़ की बात भीड़ तो भीड़ बात तो बात भीड़ का नहीं है यार। तुम अपने घर में परिवर्तन कर तो दूसरे क्यों बहला रहे हो यार? तुम पैसे से क्रिश्चियन हो के बताओ। कितना बड़ा क्रिश्चियन है तू रे बता दो। बात नहीं है। क्या है तो क्या है तो क्या तमाशा लगा के रख रहे हो मेरे बस्ती में? तुम अपने धर्म में परिवर्तन कर रहे हो तो दूसरे क्यों बना रहे हो? सबको बुलाओ बच्चों को सबको निकालो सबको निकालो। मैं बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं करूंगा। नहीं तो मैं तुम लोग कॉलिंग करता हूँ। मैं अभी तो बुलाते ना फिर टिकरा पारा वालों को नहीं बताएगा। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अच्छा से रहो खुश रहो। मैं किसी के लिए रोक टोक नहीं करता। लेकिन ये गलत चीज है बेटा तुम लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये सब तमाशा लगा के रख रहे हो आप लोग है नी। ये सब तमाशा बना के रख दियो। प्रार्थना कर तू अपना कर तेरे फैमिली के साथ कर। ये जाए अपने घर में अपने फैमिली के साथ करे। एजेंट बन के तो नहीं आए तू यहाँ पे नाक का वो आज देखो। मैं किसी के मैं जितना धर्म को मारता हूँ सर्व धर्म को मैं किसी धर्म के खिलाफ में नहीं जाता। गलत चीज तो गलत चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बुलाओ सब बच्चे लोगों को बुलाओ निकालो सबको निकालो निकलवाए कुल कोई जरूरत नहीं है सबको निकालो। चलो चलो अपने अपने घर में प्रार्थना करो। ईश्वर से दुआ करो। लोगों के लिए प्रार्थना करो घर में करो। मजबूर लगा कि प्रार्थना करने से ईश्वर नहीं सुना करता। बच्ची चल निकल नहीं निकल रहे हो क्या? फिर देख लो बता दो सब निकलो घर वाले का एक अपने क्रिश्चियन हो कैसे हो? तो भगवान तो कुल देवी देवता जिंदगी में मानत रहे वो नहीं पसंद है। मरे पहाड़ों पर धर्म परिवर्तन कर देवी देवता छोड़ के भागा था। यही तुम्हारे मन के दिनचर्या रही है? शर्म आना चाहिए मतलब यार। अपना अपना घर में करो ना प्रार्थना। किसी प्रार्थना करने कोई मना करता मजबा क्यों लगा रहे हो? आपको इजाजत मिला है क्या आप चारों को सहेल के करने का? क्यों कर रहे हो तो फिर सब काम? वर्मक फोन लगा बचाओ बच्चे लोगों को। मैं देखा हूँ पूरा बच्चे लोगों को निकालो लड़की लोगों को। चल रहे बेटी चल चलो घर चलो 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 घर चलो। मैं सब बर्दाश्त करूंगा बता दे रहा हूँ। आप धर्म मानो वही गलत नहीं है लेकिन मेरे बस्ती में नहीं चाहिए। एंड ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग बता दे रहा हूँ मैं। और वर्मक पहले लगा रहा हूँ मैं। तो देखा आपने किस तरह से प्रार्थना सभा में आकर उन्हीं के मकान मालिक ने प्रार्थना करने वालों को निकाल दिया। कैसा घोर पाप है। कैसे लोग हैं मेरे भाई बहनों? क्यों ये सब होता है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना है। हमारे सताने वालों को हमें आशीष देनी है। हम इस भाई को आशीष देते हैं परंतु हमारा दिल दुखता है जब ये लोग
चोड़ में आकर हमें इस तरह से धुतकारते हैं। देखा आपने उस भाई को जो पास्टर थे और जो प्रार्थना कर रहे थे और जिस तरह से उन्हें ललकारा गया, फटकारा गया, परंतु उन्होंने उफ ना करा। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपना आपा रखा, उन्होंने अपना नियंत्रण नहीं खोया, क्योंकि हो सकता था कि वो उनके साथ कुछ गलत कर सकते थे। ये हमें समझना है मेरे भाई बहनों, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, हमें प्रार्थना करने से कोई नहीं रोक सकता, ना वो रोक सकता है, ना ये सृष्टि में कोई हमें रोक सकता है, परंतु हमारे एक होने को ये लोग और एक साथ मिलकर प्रार्थना करने को लोग रोकते हैं। और ये क्यों रोकते हैं ये आप भी मुझे बताएं कि हम इनका क्या लूटते हैं, इनका क्या खाते हैं, क्या हम प्रार्थना करने के लायक नहीं? और हम प्रार्थना किन के लिए करते हैं? हम प्रार्थना इनके भाइयों के लिए करते हैं, इनके परिवार के लिए करते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, परंतु ऐसा क्यों? जिस भाई ने दुख उठाया, जिस भाई के घर में ये बात हुई, वो उन्हीं के मकान मालिक थे, परंतु उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और प्रार्थना सभा में उन्हें निकाल दिया। सोचिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु को खोजते हैं, परंतु हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग रोगी चंगे हो जाते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना से हर एक बुराई, हर एक मुश्किलात ठीक हो जाती है, तो क्यों हमें रोका जाता है प्रार्थना करने से? आप अपने दिल से पूछिए कि ये लोग चोड़ में आकर मूर्ति और नाना प्रकार के प्रचंड नहीं करते हैं, स्पीकर नहीं लगाते हैं, और किस तरह से ये हमारे जीवन में आकर हमें धुतकारते हैं। कोई हमारे जीवन में आकर हमें हुकूमत चलाना चाहता है, और किस रंग रूप में आते हैं ये भी देखिए कि अगर हम एक हिंदुत्व का नाम लेकर अगर हम ये सोचें कि हिंदू भाई ने हमें रोका है, तो हो सकता है कि हम में से कोई अपना आपा खो दे और वो झगड़े पर उतर जाए। तो मेरे भाई बहनों, हमें समझना है, प्रार्थना करनी है, हमें किसी से नहीं डरना है, परंतु हमें वचन से सीखना है कि जब हमारे पास ऐसी हालात हो तो हमें कानून का भी साथ लेना है, हमें अपनी समझ का भी साथ लेना है, और परमेश्वर की असीम ताकत को भी अपने भीतर रखना है, और सबसे ज़्यादा सहन शक्ति को नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये हमें डराएंगे, ये सिर्फ डरा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मुंह देख के डरना नहीं है, हमें उनका मुंह देख के नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मत डर और इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरे संग संग चलने वाला, तेरे पास रहने वाला, और तेरी अगुवाई और तेरी सुरक्षा करने वाला, मैं ही तेरा चरवाह, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ, कोई दुश्मन तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की वाणी है और यीशु मसीह की वाणी है, हमें इसमें अमल में लाना है। मेरे भाई, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा आप भी अपने अंदर इस बात को ठान लें कि हो सकता है हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कलेसिया में प्रार्थना करते हैं, और कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, तो हमें शांत रहना है और प्रभु के वचन के थामे रहना है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू जीसस।